हाँ जी, हाँ जी, जी, तनवे, गॉड आपसे मैंने रियलिटी। ना लास्ट टाइम भी एक बात कही थी, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे एक बात की थी कि मेरा खुदा से इख्तलाफ जो है वो इस बात से है कि मैं, मतलब मैं खुद भी इवेंजेलिकल पार्टी में रह चुका हूँ, मैं खुद इवेंजेलिकल मैं भी रह चुका हूं, मैंने भी बड़े पार्टी साल जाया किए में हुए। रह चुका हूँ, मैं खुद अपोलोजेटिक स्टडी कर चुका हूँ, मैं खुद अपोलोजाइज किया करता था, मैं खुद डिबेट किया करता था, मैं डिबेटर था। तो मेरा जो बैक, मेरा पास्ट अगर आप देखेंगे तो मैं खुद चर्चों में रह चुका हूँ, मैं खुद पादरियों के साथ रह चुका हूँ, उनको असिस्ट कर चुका हूँ पादरियों। तो ये भाई साहब जो है, मैं इस बात पे बिलीव करता था कि गॉड इज परफेक्ट, मतलब मैं जिस खुदा को मानता हूँ वो परफेक्ट है, उसमें कोई तजाद नहीं है, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब हम इंसानों के लिए कहते थे कि नो बडी इज परफेक्ट, मतलब इंसान जो है उसमें कोई कमियां खामियां हो सकती हैं। मैंने आपसे भी यही बात की थी कि मैं आपको तो ये एज दे सकता हूँ कि यार ये गालिब भाई ने ना ह्यूमन एरर आ गया होगा, तो इनमें कोई गलती हाँ हो गई होगी, जुबान से कोई बात स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। शहजाद भाई, खुदा से स्लिप ऑफ टंग हो सकता है? क्या खुदा खुदा से से स्लिप ऑफ स्लिप ऑफ टंग हो टंग? सकता है? समझ नहीं आई मुझे। खुदा खुदा अपनी बातों में खता कर सकता है? खुदा खुदा अपनी बातों में खता कर सकता है? नहीं, खुदा अपनी बातों में यीशु खता नहीं। कहता है ना कि बेहतर तो यह है कि इंसान बातों में खता ना करे, तो खुदा कर सकता है? नहीं, खुदा नहीं कर सकता। चलें। पक्की बात है, मतलब हाँ जी, खुदा जो है वो जो भी फैसला करता है उसको बड़ा सोच समझ के करता है ना, सही खुदा ने बात जो है ना? भी फैसला किया हुआ है ना, वो उसने फॉर एवर के लिए कर दिया हुआ है। वो बार बार फैसले नहीं करता। हम लोगों की तरह वो यार बार बार उसका माइंड जो है वो माइंड चेंज नहीं होता उसका। बस ये इन कहने पंजाबी च ऐ कीती है ना गल, खुदा हाँ ने भाई पंजाबी है यार, ऐसी कोई गल नहीं। हाँ अच्छा ठीक है, गाली ठीक है, भाई, ठीक आपको पता है कि खुदा ने साउल को ऑर्डेन करवाया था सैमुअल से, मसा है। हाँ, करवाया सैमुअल था तो प्याले, सैमुअल को सैमुअल ने ऑर्डेन, जाके तेल उंडेला उसके सर पे, मसा किया उसको। और खुदा को वो बड़ा पसंद था, साउल उसका फेवरेट था, बिल्कुल, तो बहुत खुदा ने उसको पसंद था मसा उसे। करवाया। तो फिर खुदा ने उसको एक हुक्म दिया। शहजाद भाई, आपको याद है खुदा ने उसको क्या हुक्म दिया था? बताएं, आप बताएं। चलो मैं आपको याद मुझे करवा तो नहीं देता हूँ। याद खुदा ने वैसे, उसको मुझे कहा नहीं याद था, वैसे, शिजाद भाई को याद होगा वैसे। जो है वो नाराज था सैमुअल से, क्योंकि सैमुअल जो है नहीं, वो हुक्म हुक्म नहीं याद, हुक्म नहीं याद मुझे कि क्या था वो। एक्चुअली एंटी क्राइस्ट हो गया। हाँ अमालिकियों को मार जाके, खुदा ने हाँ उसको हुक्म दिया था कि तू जाके अमालिकियों को मार, और तेरी तलवार, तेरा हाथ जो है ना उनके बच्चों के लिए रुके, ना उनकी औरतों के लिए रुके, ना ही उनके जानवरों के लिए रुके, उनको कत्ल कर दे, तहतीक से मिटा डाल, उनको खत्म कर दे, हाँ सफा हस्ती से मिटा डाल। खुदा ने उसको ये हुक्म दिया, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने वहां के कुछ अच्छे अच्छे लोगों को बचा लिया, कुछ अच्छे अच्छे जानवरों को बचा लिया लोगों के कहने पे, और वहां के बिल्कुल बादशाह को भी बचा के ले आया। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगली बात जो मेरी काबिले गौर बात है, खुदा ने सैमुअल से ये कहा कि मेरा दिल इस बात से मुझे इस बात पे मलाल हुआ कि साउल मेरी बात से जल्द ही फिर गया। अब हाँ अगर जी, खुदा हाँ को पता था कि मतलब साउल फिर सकता है, तो खुदा ने उसको ऑर्डेन ही क्यों करवाया? देखें इमां, जब हम खुदा के साथ चलते हैं ना, तो खुदा भी हमसे कुछ एक्सेप्ट करता है। खुदा भी हमारे हमसे कुछ चाहता तो है कि भाई आप खुदा के साथ हम चल उस रहे पे हैं, ईमान खुदा देखे रखते हैं या देखे उसकी बातों पर। शहजाद भाई, आप ना मेंटल जिमनास्टिक ना करें, मेरी बात का सीधा सीधा हाँ जवाब दें। देखे मैं आपसे एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं खुदा के साथ चल रहा था, मुझे किसी ने कहा, मुझे खुदा ने नहीं कहा था, मुझे किसी इंसान ने कहा था, ठीक है। मैं आज पीछे हो गया हूँ, मुझे किसी ने, मतलब मैं नहीं कह सकता कि जी खुदा ने मुझे कहा तो मैं पीछे हो गया, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा ने खुद उसको नबी के जरिए मसा करवाया, उसको मखसूस करवाया, उसको बादशाह बनाया, तो खुदा के लिए उसके लिए कॉलिंग थी, ठीक है। तो खुदा कैसे को हो सकता है कि वो खुदा के मंसूबे में था तो वो कैसे गुमराह हो गया? नहीं होना चाहिए था ना, अगर हो भी गया था तो खुदा को उसको चाहिए था, उसको उसी वक्त रोक देता कि भाई तू कर क्या रहा है, खुदा ने उसको फिर भी नहीं कहा। खुदा ने
10 हुक्मों में, अभी तो आप शरीयत की बात कर रहे हैं, चले मैं आपके आपके साथ शरीयत की बात करता हूँ कि शरीयत के 10 हुक्मों में लिखा हुआ है कि लालच ना करना। खुदा ने पहले ही कह दिया था कि लालच ना करना, और साउल ने लालच किया। साउल ने उन लोगों को, उन औरतों को, उन जानवरों को, उन चीजों को, खुदा ने उसको कहा कि तूने सब कुछ फिनिश करना है, लेकिन उसने लालच किया, उसने कहा कुछ चीजें जो है मैं रख लेता हूँ, तो खुदा उससे अच्छा, नाराज हो 10 हुक्म गया। से आपको आते हैं? हाँ जी, 10 हुक्म आपको आते हैं? 10 हुक्म, ये शरीयत का यार, ये शरीयत की नहीं, चीजें हैं, 10 हुक्म आपको आते हैं ना? हमारे ऊपर शरीयत लागू नहीं है, नहीं ठीक नहीं है। दस हमारे हुक्म तो लागू है क्रिश्चियन के ऊपर भी। पहला ओ नो 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 नो, ये आप कह हुक्म रहे हैं छोड़ कि के बस, आप, के खुदा का नाम आप बेफायदा ना लेना, क्योंकि क्रिश्चियन तो बहुत लेते हैं, बाकी सारे लागू हैं। और चोरी ना नहीं भाई, करना, जना ना करना, इसका कत्ल खून ना करना, माँ बाप की इज्जत करना, ये मतलब सारे लागू हैं। कुछ नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं भी गाली शरीयत भाई, में, शरीयत जो गाली है भाई, अगर गाली भाई, इंसान, इसका मतलब, गाली भाई इसका अगर मतलब है इंसान कि ये शरीयत फिर को जना भी चलता करते हैं, ये चोरी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, अभी भी जो कुछ बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, शरीयत इन यार, पे लागू आप नहीं होती। देखिए ना, अच्छा चले, आप मैं इसे ऐसे जो पूछना चाह रहा था ना, वो पूछना चाह रहा था कि खून ना करना 10 हुक्म में शामिल है? हाँ जी, खून ना करना, लेकिन मसीह मसीह हमें, जीसस क्या कहते हैं, तो तू अपने दुश्मनों को माफ कर, अच्छा हाँ, तो खून ना करना शामिल है ना 10 हुक्म में? नहीं, और खून 10 हुक्म शरीयत में शामिल है, फसल में नहीं वो तो है। खून खून ना करना का क्या मतलब है? कत्ल ना करना, ये हाँ जी, क्रिश्चियनिटी में मना कत्ल या नहीं है? दुश्मनों को ना, लेकिन मसीह ने आगे कहा, उसने कहा कि देखो तो अगलों कहा चले, गया था कि खून, शरीयत में तो खून ना करना लिखा है ना। हाँ शरीयत में लिखा हुआ, अच्छा तो मुझे आप एक बात बताएं कि खुदा ने खुद ही ये गुनाह नहीं किया हुआ खून ना करना वाला? क्या कौन सा खून किया खुदा ने? अभी यही तो बात बताई है अमालिकियों वाली, खुदा ने कहा कि उनके जानवर, उनके बच्चे, उनकी बीवियां भी मार देना, उनका 6 महीने का दूध पीता बच्चा भी मार देना। तो मुझे बॉस, बताएं कि 6 महीने का दूध पीता बच्चा अगर खुदा मरवा रहा है, तो उसकी तो कोई लड़ाई भी नहीं थी यहूदियों के साथ। आप शरीयत और फजल, खुदा तो मोहम्मद को आप गालियां देते हैं बनू कुरैजा को मरवाने पे, तो खुदा तो मोहम्मद से भी बुरा है। नो 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 नो, कौन अच्छा हाँ जी नो, मैंने आज तक जिंदगी में कभी इस तरह की नेगेटिव क्या थॉट नहीं यरूशलेम सुनी। के, अंदर खुदा ने यशवा को हुक्म नहीं दिया था कि इसका एक जानवर, एक बच्चा, एक औरत, कोई बूढ़ा भी ना छोड़ना? कहा था कि नहीं कहा था? मानने वाले लोग थे वो, गैर मबूतों को मानने वाले लोग थे, इसलिए खुदा अपनी कौम को कहता है कि तुम उन लोगों से दूर रहो, और उन लोगों के साथ इसलिए अगर उनको वो मार तुमको, दो, उनको मार दो, उनके उनके बच्चे भी 6 महीने के दूध पीते मार दो। जैसे एथियस्ट है जो अच्छा, खुदा को यानी आप नहीं मानते, समझते हैं एथियस्ट भी मार देने चाहिए? वो भी एथियस्ट थे, वो गैर अच्छा, वो वो एथियस्ट थे, तो यानी आप ये समझते हैं कि एक 6 महीने का बच्चा भी एथियस्ट होता है? लाजमी बात है, उनकी नस्ल आगे नस्ल जो है यार वो ये बात गैर, बताएं कि आप खुदकश हमला किस दिन कर रहे हैं, मुझे ये बताएं आप, इसमें खुदकुशी हमला करते हैं, क्योंकि लेकिन आपकी आप सोच मौलवी से भी गई गुजरी है। क्या, क्योंकि मैंने आपसे पूछा कि यरू के शहर में खुदा ने हुक्म दिया था कि इनके एक 6 महीने के दूध पीते बच्चे को भी ना छोड़ना, तो यस, खुदा तो मोहम्मद से भी बुरा है जिसने बनू कुरैज़ा में लोगों को मरवाया था। उसने तो अपने बच्चे छोड़ दिए थे मोहम्मद ने, खुदा ने तो वो भी नहीं छोड़े। पैदाइश के बाद की बात आप करें, जीसस से पहले की बात आप ना करें, नहीं, शरीयत जीजस की से बात पहले की बात ना, क्यों ना करूं, मैं तो खुदा की बात कर रहा हूं ना। खुदा तो आज अबद और आज कल और अबद तक यकसा है ना। जी तो खुदा ने अपना बेटा जो है वो इसीलिए भेजा कि मेरे चांद, तल्ला, आपको बात की समझ नहीं आ रही, मैं आपसे कह रहा हूं कि खुदा ने जब यरू शहर के अंदर 6 महीने के दूध पीते बच्चे भी कत्ल कराए थे, तो क्या खुदा मोहम्मद से अच्छा था या बुरा था? यसू को छोड़ दो, हम शरीयत वाले वक्त में जाते हैं, शरीयत वाले वक्त में, उस वक्त खुदा मोहम्मद से अच्छा था कि बुरा था? शरीयत को हम डिस्कस क्यों करें जब हम फजल में रहते हैं, तो क्यों हम शरीयत, करें? क्योंकि खुदा तो शरीयत वाला ही है ना, खुदा बदल गया है। नहीं, खुदा ने अपना फजल, कहता है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श हाय दिया, हाय 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 यार, कहां पत्थरों में मैं सर मार रहा हूं यार। तोबा तोबा हलाक तोबा ना हो। तोबा यार, मतलब क्या यार, आपको समझ नहीं आ रही कि मोहम्मद था, मोहम्मद ने बनू कुरैजा के मर्द मरवाए, बच्चे और औरतें छोड़ दिए, ठीक है? खुदा ने कहा कि बच्चे, औरतें, जानवर भी नहीं छोड़ने, ठीक है? खुदा तो मोहम्मद से बुरा हुआ ना फिर। यार आप शरीयत की बात, फिर शरीयत की बात ही करते हो, आप फजल की बात क्यों नहीं करते?
मैं शरीयत की ही बात कर रहा हूँ, मैं आपको कहाँ कह रहा हूँ कि मैं क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूँ, मैं तो खुदा की बात कर रहा हूँ। फिर आप शरीयत के लोग हैं, फिर आप बाबल को भी माने, फिर आपको आपके ना सर पे से गुजर रही हैं, आपके सर के ऊपर से गुजर रही हैं। मैंने कुल्हाड़ा आपके खुदा पे रखा है, मैं उसका खतरा कर रहा हूँ। आपके आपके सर के ऊपर से गुजर रही है, मैं आपको फजल में लेके आना चाह रहा हूँ। आपके माइक में ना शोर आ रहा है बहुत ज्यादा। ओए होए 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 बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, शोर आ रहा है आपकी तरफ से। गॉड रियलिटी शोर बहुत आ रहा है यार। हेलो 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 गॉड रियलिटी का चले। शहजाद शहजाद भाई बहुत शुक्रिया, आप फिर आइए। हाँ हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है, आ रही आ रही। अच्छा मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि खुदा ने शरीयत दी पहले, ठीक है, तो खुदा तो परफेक्ट है ना, तो फिर फजल की क्या जरूरत पड़ गई? नया नामा फिर पुराना नामा, मतलब अगर खुदा ने एक इरादा कर ही लिया था तो उसको चेंज क्यों किया? और इतनी ज्यादा चेंज के पूरा पूरा यूटर्न ले लिया खुदा ने। हम तो इमरान खान को कोसते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं यूटर्न लेने पर, तो खुदा तो उससे बड़ा यूटर्न यूटर्नर ये क्या? शरीयत पे लोग जो हैं वो चल नहीं थे सकते, वो चलते नहीं थे, उनसे चला नहीं था जाता, वो बार बार गुनाह में गिर जाते थे। इसलिए खुदा को फजल में मसीह को दुनिया में लेके आना पड़ा। उसने कहा कि मैंने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि अपना इकलौता बेटा मैंने बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और शरीयत जो है वो मेरे मसीह ने पूरी की। उसने कहा कि मैंने शरीयत को पूरा किया। तो इंसान जो है वो शरीयत को पूरा नहीं कर सकता। अगर आप 10 हुक्म पूरे करते हैं तो उसमें से एक की भी नाफरमानी करते हैं तो आप उधर ही गुनाहगार ठहर जाते हैं, आपको फिर से अपने आप को रिवाइव करना पड़ता है। चलें ठीक है शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू। मसला ये आगे एक बात है गॉड रियलिटी के, खुदा ने खुद ही अपना बेटा पैदा किया है, ठीक है, वो एक पैदा करे 100 पैदा कर ले। क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं है कि इकलौता बेटा दुनिया के लिए बख्श दिया, वो भाई तू 10 पैदा कर लेता यार, 10 में से एक दे देता, हमारे पे शान किस बात का है, ठीक है, कर तो सकता था। मतलब इकलौता बेटा ऐसे एहसान चढ़ाया हुआ है जैसे पता नहीं कि खुदा को बड़ी मुश्किलों से, कोई मिन्नतों मुरादों वाला बेटा था अकबर का शेखू, उसके अलावा बेटा हो ही नहीं सकता था, मतलब इस तरह की बातें हैं असल में। तो भाई जब बेटा आप इकलौता पैदा करो या 100 पैदा करो, और आपका बेटा कौन सा वाकई मर गया था, ठीक है, तो मतलब ऐसी बातें हैं। दूसरी बात यह है कि ये ऐसे ही है, मतलब क्रिश्चियनिटी की बोंगियां आप देख लें कि एक तरफ ये कहते हैं कि वो बनू कुरेजा वाला मसला बड़ा गलत है जी, वो ये है वो, इधर कहीं और क्रिश्चियन घूम रहे हैं चैट के अंदर। यार अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हमारे पास जो भाई आए थे शहजाद भाई वो अच्छे डिबेटर नहीं थे, तो यार आप आ जाए, आपसे बात कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, हम तो इधर बैठे हैं अभी अभी, हमने 2 घंटे हम स्ट्रीम में हुए, हमने 3 घंटे और करनी है, आप आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आके हमसे बात कर लें, आप डिबेट कर लें, ठीक है। तो ये बात है, सिंपल सी बात है ये, गॉड रियलिटी। मैं अब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो, मैं ये कह रहा हूँ कि जी जी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, करें बात। हाँ जी यार, मैंने आपसे उस दिन इसलिए कहा था, शायद आपने, अब मैं तो नहीं कहूंगा कि मेरी विश पूरी की है, वैसे अगर मेरी की है तो आपके लिए थैंक यू कि आपने जो हाँ हाँ मुझे याद था कि उस दिन आपने कहा था कि मैंने इनसे बात करनी है, आपने कहा था। तो मैं असल में वो जो आपने एक स्ट्रीम भी की थी ना क्रिश्चियनिटी पे और विद रेफरेंस की थी, तो वो स्ट्रीम ये टर्निंग पॉइंट। अच्छा, तो उसके बाद तो फिर अब ये हालात, बिल्कुल बिल्कुल, वो स्ट्रीम मैंने पूरी सुनी आपकी, बड़ी मजेदार स्ट्रीम थी, और वो ये टर्निंग पॉइंट इसलिए था कि मैं उस वक्त तक मेरा स्टांस ये था, उस स्ट्रीम से पहले तक मेरा स्टांस ये था कि ठीक है जी, अगर कोई खुदा है, कोई मुझे एग्री करवाए तो मैं उसको मान लूंगा, ठीक है। बट आपकी उस स्ट्रीम ने मेरा, मतलब
वो जो बुत था ना वो तोड़ दिया, कि मैंने कहा अगर अब कोई खुदा है भी है तो फिर भी नहीं मानना नहीं उनको, नहीं मतलब कि खुदा का मंदा अगर कोई एविडेंस मिले तो अभी मैं भी मान लूंगा, वो तो मसला नहीं है, मगर एविडेंस आएगा कहाँ से? एविडेंस, झूठी बातों के एविडेंस थोड़ी होते हैं, ठीक है, नहीं, ये अगर मेन देखे ना, मसला। अगर कोई खुदा है, अगर कोई है भी, तो भाई वो उसको इतनी, मतलब इतना वो क्यों, उसके अंदर रेसिज्म किस बात का है, उसके अंदर गुस्सा किस बात का है, उसके अंदर क्रोध किस बात का है, वो मतलब अब मैं हूं, अब मैं अपने किए की सजा दे सकता हूँ ना, अपने किए की भुगत सकता हूँ, लेकिन जी मेरी चीज तीसरी और चौथी पुश्त से भी बदला लिया जाएगा, यार ये क्या बात हुई, ये और बात कोई क्रिश्चियंस करने का ना वाली। ये बोलना चल नहीं सकता कि वो शरीयत और थी और अब यसू खुदा का फजल, यार ये बात नहीं है। एक बंदा जिसके साथ उस खुदा के उस हुक्म के तहत बुरा हुआ था, उसका इंसाफ कौन करेगा? ठीक है, सर के अलावा अभी तो मैंने इनसे और भी बड़े सवाल करने थे, लेकिन मुझे पता था इसने मानना है नहीं है, क्योंकि ये बेचारा नहीं वो नहीं वो नहीं, दोबारा वो फिर अंधेरे में चक्करे मारने वाले लोग हैं, ये अंधी तो तकलीद करते हैं। तकलीफ पे। तो खैर मैं अब इन बातों में, गालिब भाई मैं तो आपको भी यही कहूंगा यार, आप ना थोड़ा सा अपने आप को भी रिलैक्स करो, आपके लिए और हारिस भाई और दीगर जो जो भी इस तरह का रैशनैलिटी पे काम कर रहे हैं, मैं उनको उनके लिए मेरे लिए दिल में बड़ी अच्छी वो है, ख्वाहिशात हैं, नेक ख्वाहिशात हैं आपके लिए, कि यार आप लोग इतनी मेंटल जिमनास्टिक को सुनते हो, बर्दाश्त करते हो, तो आप उसके बाद करते क्या हो, मुझे ये बताओ बस, कौन सी दवाई कुछ खाते नहीं हो करते, जब यहां से चले जाते हैं तो हम सोचते भी नहीं है कि डिबेट स्ट्रीम में किसी से क्या बात हुई थी। मैं तो नहीं सोचता कोई भी। तो मैं शुरू में, जब शुरू शुरू में शुरू हुआ था तो शायद थोड़ा बहुत मुझे इफेक्ट होता था, अब कहाँ कोई भी नहीं। मैं तो, मुझे याद भी नहीं होता पिछली बार क्या बात हुई थी किसी से। यकीन करें मुझे नहीं याद मेरी लास्ट टाइम आपसे क्या बात हुई थी, मुझे किसी से भी याद नहीं होता। वो सिद्धार्थ आया था आज, सिद्धार्थ से मेरी इतनी रेगुलर बात होती है, मुझे याद ही नहीं है सिद्धार्थ से पिछली बार मेरी क्या बात हुई। तो तो ऐसे ऐसे ना नहीं होता कि कोई कोई बड़ा काम होते हैं बंदे मुझे याद रहते हैं। थोड़ा सा अगर आप मतलब ये स्ट्रीम ना करें, लेकिन थोड़ी सी एक जैसे आप मोनोलॉग बना रहे हैं, वो बड़े जबरदस्त मोनोलॉग हैं वो, मतलब मुझे जैसे टाइम मिलता है जो मोनोलॉग, कल भी। मेरा एक और आना है आदम की पहली बीवी के बारे में मोनोलॉग। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियॉन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियॉन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।